कोयला घोटाले के आरोप में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन नहीं मिली अनुमति तो जमकर भड़के पूर्व सीएम। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जेल अधीक्षक के चैम्बर में बुलाकर उसे धमकाया और दबाव बनाया गया कि 100 में 84 के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पैसे देने की बात कबूल करूं। इस आरोप के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं विधायक देवेंद्र यादव और सूर्यकांत तिवारी से मिलने जेल आया था, लेकिन मुझे सूर्यकांत तिवारी से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, बावजूद उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जबकि मिलने को लेकर उन्होंने विधिवत तरीके से आवेदन किया था। भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो पत्र लिखेंगे और सीएम को भी पत्र लिखकर घटनाक्रम की जानकारी देंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के सेंट्रल जेल में सूर्यकांत तिवारी और विधायक देवेंद्र यादव से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे हुए थे, लेकिन वो सिर्फ देवेंद्र यादव से ही मिल पाए, सूर्यकांत तिवारी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं आप भी सुनिए। काम कर रहे हैं, इनको ये कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है और ये जहां जहां भी है वहां देख लीजिए क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, उसका काम तो कर नहीं रहे हैं। इसी आईजी के कार्य क्षेत्र में बड़ौदा बाजार भी आता है जहाँ इतनी बड़ी घटना घटी, और इतनी बड़ी घटना घटी तो एसपी और कलेक्टर को तो हटा दिया, आईजी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? इसलिए कि वो नाक के बाल बने हुए हैं या कहीं ऊपर से आदेश आया इस नासिक को रखा गया है, और ये अपने अधिकार क्षेत्र बाहर जाके जेल में आके बंदी को धमका रहे हैं। मैं तो इस मामले में मुख्यमंत्री की पत्र लिखूंगा, क्योंकि जो आवेदन आया है वो बहुत खतरनाक है। किसी भी भारतीय नागरिक को इस प्रकार से फंसाने के लिए षड्यंत्र करने का काम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अधिकारी करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। लोकतंत्र के लिए बेहद ही ये खतरनाक है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री को लिखूंगा ही, अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाईकोर्ट, इनको ही मैं लिखूंगा पत्र कि इस प्रकार से अधिकारी जेल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, ये संज्ञान में आना। सूर्यकांत से बिना नियम कानून के, बिना अधीक्षक के रहते, अधीक्षक के कार्यालय बुला के आईजी मिल सकता है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधायक वर्तमान विधायक भी है वो एप्लीकेशन दिया कि भाई सूर्यकांत तिवारी से मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अधीक्षक मिलने नहीं दिए, ऊपर से परमिशन, मतलब ऊपर से परमिशन का क्या मतलब होता है, तो बोले तो शासन भी हो सकता है, लेकिन मुझे सूर्यकांत मिश्रा से मिलने नहीं दे, वकील से मुलाकात हुई दूसरे कमरे में, डीजी साहब है उनसे उनकी मुलाकात हुई, मुझे मिलने नहीं दिया गया, है ना। जो षड्यंत्रकारी है वो मुलाकात मिल सकते हैं, लेकिन जिसको फंसाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है वो यदि मिलना चाहते तो उसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और कब तक नहीं मिलने देंगे? सूर्यकांत तिवारी जब बंद थे, पिछले 2 साल से बंद थे, 1 साल तो मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन तभी मिलने मिलने नहीं आया, आज तक नहीं मिला, पहले मेरा शासन में था तब मैं अब, लेकिन चूंकि मेरे नाम से इस प्रकार से एप्लीकेशन दिया गया है, ये पैसा भूपेश बघेल को दिया जाता है, ये जब उन्होंने लिख के दिया तब फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बात क्या है, वो ऐसा एप्लीकेशन क्यों दिया, उसे जानने के लिए मैं आया था, लेकिन यहाँ भी अड़ंगा, अब जो पुलिस जेल अधीक्षक है वो अड़ंगा डाल रहे हैं, शासक जब किसी भी कैदी से मिलना है तो अधीक्षक से परमिशन ले ले, हम ले सकते हैं, तो यहाँ हमको मिलने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे? फिर आऊंगा, फिर एप्लीकेशन बनाऊंगा।